नमस्कार विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम किसी भी सूत्र को अप्लाई करने से पहले कैसे चेक करें कि वो सही है या गलत फिजिक्स में इसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए हम सूत्र के दोनों तरफ की विमाओं की कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिया, क्या ये सही है, तो इसके लिए मैं इस भाग की विमा निकालता हूँ। ये क्या है, डिस्टेंस है m0 l1 t0, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस का मात्रक क्या है, मीटर है, और मीटर को विमा में हम किससे लिखते हैं, l से लिखते हैं। अब इस पद की विमा चेक करें, u यहाँ पर वेलोसिटी है जिसको हम मीटर पर सेकंड से लिखते हैं, यानी m0 l1 t-1। इस पूरे पद की विमा क्या आएगी, l0 l1 t-1, और ये t है यानी ये टाइम है यानी t^1, और विमाएँ जब मल्टीप्लाई में होती हैं तो उनकी पावर्स को हम ऐड करते हैं, तो t-1 +1 यानी m0 l1 t0, जो कि इस पद से मैच कर रही है, यानी यह पद इसमें सही है। अब क्या इसकी भी विमा वही आ रही है जो कि इस पद की है, तो इसके लिए हम प्रत्यय की विमा लिखेंगे। यहाँ पर ए हमारा त्वरण है और त्वरण को हम क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लिखते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, m0 l1 t-2, और ये टाइम है तो ये t2 हो गया, और फाइनली ये -2 और +2 जीरो हो जाएगा, l1 t0 m0 आएगा। तो इसमें हम देखें तो दोनों पदों की विमाएं किससे मेल खा रही है, इसके बाएं हाथ का जो पद है उससे मेल खा रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अपना दिया गया फॉर्मूला राइट है, सही है। ठीक इसी प्रकार से जैसे मुझे एक फॉर्मूला याद आया और उसमें मैं केवल इतना ही लिख पाया, तो इसको भी मैं यदि चेक करूं तो यहाँ पर ये हाइट भी किसको शो करता है, डिस्टेंस को, और जी किसको शो करता है, एक्सीलरेशन को, यहाँ से अपने पास आता है m0 l1 t-1। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो दोनों पदों की विमाएं मेल नहीं खा रहे, इसका अर्थ यह हुआ कि जो मुझे याद आया फॉर्मूला वो गलत है। इसकी जगह यदि मुझे यह याद आता तो वो सही हो जाता, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, l1 t-2 और t2 m0 l1 t0, जो कि किससे मैच खा रही विमा, इसके दूसरे तरफ का जो पद है उससे मैच खा रही है। तो ये अर्थ हुआ कि यह फॉर्मूला तो सही है लेकिन जो मुझे याद आया पहले वो गलत था। तो इस प्रकार से प्रत्येक फॉर्मूले को आप अप्लाई करने से पहले उसकी जांच जरूर करें। जैसे मुझे टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला याद आया l/g, तो इसकी भी मैं विमा चेक करूँगा अप्लाई करने से पहले, क्या विमाएँ मैच खा रही है, टी क्या है, टाइम है, तो t1 आएगा, बाकी m0 l0, l डिस्टेंस है, m0 l1 t0, g एक्सीलरेशन है, m0 l1 t-2, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, m0 l1-1 और t0 +2 यानी ये आया अपना t2, जो कि इसके इस पद से मैच नहीं खा रहा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो मुझे याद आया फॉर्मूला है वो गलत है, बल्कि इसका सही फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, 2π√l/g। तो इस प्रकार से आप किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले उसके दोनों पक्षों की विमाएँ चेक करें, ताकि आपको ध्यान रहे कि आप जो फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं वो सही है। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। मैं सुरेंद्र खिलेरी आपको आगे भी इस प्रकार के और वीडियोस प्रोवाइड करवाने का प्रयत्न करूंगा।